ये है दिल्ली दर्पण। ये पक्का है दिल्ली में ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मनी मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो, कोई तो सबूत, कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। या ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है, ईडी की ही बीजेपी है, बीजेपी की ही ईडी है। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन सुबह से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बन गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर ईडी को अंगूठा दिखा दिया। आज भी केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। आज आम आदमी पार्टी के तीन नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लिना और प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और गोपाल राय सामने आए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र और बीजेपी से कई तीखे सवाल पूछे और कई आरोप लगाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। पिछले डेढ़ साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डेढ़ साल हो गया है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है, चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो डेढ़ साल से चल रही है, आपको डेढ़ साल बाद याद आया? इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को और ईडी को देने चाहिए। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल और फिर 2 नवंबर और उसके बाद फिर 21 नवंबर और उसके बाद आज चौथी बार 3 जनवरी को ईडी ने केजरीवाल को बुलाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय ने इसे ईडी का नहीं बीजेपी का समन बताया और कहा कि वो इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आ रहे हैं। क्यों? क्या ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है? ईडी की ही बीजेपी है, बीजेपी की ही ईडी है? ये तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो भाजपा की बात रखने के लिए। लेकिन सुबह से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बन गए। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईडी के गैर कानूनी नोटिस को जस्टिफाई करने के लिए ईडी से चोटी लगा रहे। क्यों भाई? ईडी के नोटिस पर केजरीवाल के नहीं पेश होने पर बीजेपी ने सीधे सीधे केजरीवाल पर प्रहार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा कि यदि केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वो ईडी के सामने पेश होने से क्यों डर रहे हैं? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की दीमक करार दिया। थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया, लोकसभा चुनाव है इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है।
नहीं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए, जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंग पिन हैं। तीसरा, आप थर थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। जाहिर है कि जहां ईडी और केजरीवाल के बीच नोटिस चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग मची है। इस जंग के बीच राजनीति की फिजा में सवाल तैर रहे हैं कि क्या केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे। केजरीवाल के तीन बड़े नेता पहले ही जेल में बंद है, और यदि केजरीवाल भी जेल चले गए तो आपका क्या होगा, लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। अब देखना है कि ईडी और सीएम के बीच चल रही इस चिट्ठी जंग का नतीजा कब और क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।